हेलो प्यारी सिस्टर, आप लोगों के लिए एक बार पुनः मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आप जितने भी ANM सिस्टर हो, जितने भी ANM की स्टूडेंट हो, अब आपकी बारी भी आ चुकी है। आपकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट टाइम आ चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को गौर से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके अंतिम क्षण में साबित होंगे, कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है इस वीडियो में। इसलिए जो भी टाइम लगे, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी समय लगे, आप इस वीडियो को पूरा देखने में अपना समय दीजिएगा। एक भी मिनट, एक भी सेकंड इधर उधर नहीं करिएगा, नहीं तो हो सके कि आपको आगे ना दिक्कत हो जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो जितने भी 5 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था 3 शिफ्ट में, आप लोग देखिए होगी अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस थे। कुछ जो प्रश्न स्टूडेंट को याद था, ANM सिस्टर को याद थी, उन सभी सिस्टर ने क्वेश्चंस को मेरे पास भेजे थे, तो आपको मैं शेयर भी किया था, ग्रुप में भी डाल दिया था, आपको मैं यूट्यूब पर भी वीडियो बना करके डाले थे कि किस टाइप का क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो मिडवाइफरी हो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो, किस टाइप का प्रश्न आ रहे हैं, आप सभी को आइडिया लग चुका है, ठीक है। अब आइडिया लग चुका तो आज हो गया 9 जनवरी, कल है 10 जनवरी, परसों तो एग्ज़ाम ही देना है, तो मिला जुला के जो भी कुछ करिएगा आज भर करिएगा। कल तो कुछ होगा नहीं क्योंकि सारे लोग अलग अलग के होंगे, किनिका पटना, मुजफ्फरपुर, जहाँ भी हो सेंटर, आप लोग पहुँचेंगे सेंटर पर, तो कल का कोई मतलब ही नहीं, आज जो भी हो आप लोग। वैसे भी लड़कियाँ लोग कपड़ा वपड़ा पहनने में थोड़ा सा समय लगता है, तो आज से ही वो लोग तैयार होना शुरू हो गए होंगे। बहुत लोग का तो घूमने का शौक रहता है, चलो पटना जाते हैं घूमेंगे 2 दिन 3 दिन, चलो अच्छी बात है, घूम भी लेना चाहिए, क्योंकि मौका लोग को मिलता नहीं है। मुझे जहाँ तक आइडिया है, हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे तो जहाँ जाते थे थोड़ा सा घूम कर आते थे, क्योंकि पता था नौकरी होगा, व्यस्त हो जाएंगे, छुट्टियाँ कम मिलेगा, तो थोड़ा सा घूम लिया करना, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, अच्छी बात है, घूमना भी चाहिए, नहीं तो मौका नहीं मिलता है जीवन में। हम नौकरी में है ना, हमें पता है, आप लोग भी नौकरी में चली जाओगी, आप लोग को और भी समझ में आना शुरू हो जाएगा, जो होंगे पहले से वो तो पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हम पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग को मैं पुनः बता देता हूँ, आप लोग को मालूम होगा फिर भी सुन लीजिए, एडमिट कार्ड को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। एडमिट कार्ड पर क्या लिखा है, क्या करना है, इसके बारे में हमने वीडियो बना करके आप लोग को बता दिया था, और आप लोग के पास एडमिट कार्ड होगा, उसका रूल रेगुलेशन जो 15-17 पॉइंट लिखा हुआ है, उस सारे पॉइंट को समझ लीजिएगा। जैसे उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैं जिक्र कर दूंगा, एक नंबर उसमें बोला गया है कि ब्लैक पेन लेकर के आने के लिए, तो ब्लैक पेन आप लोग खरीद लीजिएगा, ठीक है, सारे लोग ब्लैक पेन खरीद लीजिएगा, ब्लू वाला नहीं चलेगा, ब्लैक पेन लिखा है तो ब्लैक पेन खरीदना है, ठीक है, जो कह रहा है उतना ही करना है। उसके बाद उसमें लिखा है कि 2 फोटो, तो 2 फोटो आप लोग लेकर के चले जाइएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आप लोग जितना कान में, नाक में जो भी जहां लगाती हो, सोना चांदी, हीरे जेवरात, वो सब आप सभी को घर पे छोड़ करके आइएगा, घर पे ही अच्छा से रख दीजिएगा, या फिर लेकर के साथ में आओगे तो रखने वाली व्यवस्था खुद करके आना, ठीक है। आप अपने साथ में जो भी कोई आपके फैमिली मेम्बर हो, जो भी आएंगे साथ में लेके आना, चूँकि होता क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट है सिंगल चल दिए, अकेले परीक्षा देने के लिए चल गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब लड़कियां भी तो आगे है, वो आ सकती है, अब सेंटर पर रखने की व्यवस्था ही नहीं, या फिर कहीं रख रहा है बैग वैग तो सबका ध्यान, अरे मेरा 20,000 का नाक में क्या है, कान में क्या, 50,000 का है, सबका ध्यान उसी पर रहेगा, तो परीक्षा क्या दोगे। इसलिए जो महंगा चीज़ हो ना, उसको घर पर छोड़ के आना चाहिए, जिससे कि माइंड डाइवर्ट उसमें नहीं होता है, तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा, आपकी बाइक पर, 2 घंटा तो एग्जाम देना है, 2 घंटा में आपकी ज़िंदगी बनने वाला है, तो 2 घंटा आपके दिमाग रहेगा बाइक पर कि रखे हैं वहाँ पर, क्या होगा नहीं होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वो सारे चीज़ आप घर पे रख कर आइएगा, या फिर साथ में लाती हो तो आप अपना जिम्मेदारी समझना, साथ में कोई किसी एक को लेकर आना, जिससे कि टेंशन फ्री रहना है। मेरा कहने का मतलब है कि आप टेंशन फ्री रहे, फालतू चीज़ों पर ध्यान ना जाए, बिल्कुल ध्यान रहे, एक ही चीज़ मेरा परीक्षा है, ऑन परीक्षा है, इस चीज़ पर हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, ध्यान देना, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया ना, ब्लैक पेन, 2 फोटो, और ये सोना चांदी जेवरात जो भी है इसको आप अपना व्यवस्था करके आएंगे, ये हो गया। उसके बाद इसमें निगेटिव मार्किंग है, मैं बताया हूँ सारे पॉइंट, फिर भी आप सुनिए, ज़बरदस्ती सुनिए, आपके लिए फ़ायदा होगा, थोड़ा सा मिस्टेक जानलेवा हो सकता है। तो निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 प्रश्न बनाएंगे गलत,
यहाँ पर सुनिएगा भाई, यहाँ पर प्यारी प्यारी बहन सिस्टर जो भी हो, अच्छे सुनना। चार प्रश्न गलत करोगे तो 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। अच्छा से समझ लो इस पॉइंट का, तो आपका रिजल्ट में बहुत ही फायदा होने वाला है। इस चीज़ को समझ लो, यही से मैं शुरू कर रहा हूँ पूरी एकदम रसगुल्ला वाला बातें, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो कि आपने आपने 10 क्वेश्चंस बनाया, 10 क्वेश्चंस आपने क्या किया, अटेम्प्ट किया, 10 क्वेश्चंस आप बनाए, उसमें से आपका चार क्वेश्चन गलत हो गया, चार प्रश्न आपने गलत कर दिए, ठीक है, बनाए चार गलत हो गए, पता नहीं चला गलत हो गया, तो टोटल कितना सही हुआ, 6 सही हुआ। कॉपी पे लिखते जाना नहीं होता है तो समझ लेना। अब 10 हमने टोटल बनाया, चार गलत हुआ तो 6 सही हुआ ना। अब 6 नंबर तो हमको मिल जाएगा क्योंकि 6 अंक सही हुआ, लेकिन चार जो गलती किए हो ना, तो एक नंबर क्वेश्चन पे 0.25, तो चार क्वेश्चन पे एक हो जाएगा, यानी कि चार क्वेश्चंस गलती करेंगे तो एक नंबर मेरा कट जाएगा। तो 6 सही था, चार हमने गलत किया, यानी कि चार क्वेश्चन गलती पर एक नंबर कटेगा, तो 6 में से एक कट जाएगा, कितना मिला, 5 अंक। अब देखिए 10 क्वेश्चंस आपने बनाया, 6 सही हुआ, तो कितना अंक मिला आपको, 5 अंक मिला। एक तो आपने गलती कर दिया और एक आपने क्या किया, जो सही में अंक मिला था उसमें से आपको वो माइनस हो गया। इस फंडामेंटल को जो समझ जाओगी उसके लिए बहुत आसान चीजें हैं एग्जाम। बहुत सारे 90 बना दिए, 93 बना दिए, उसमें से पता चला कि आधा गलती है। एक तो आधा पहले गलती तो आधा छट गया, अब जो आधा पे नंबर मिला वो हम से खींच लिए। तो ये सिस्टम समझना है, मतलब आपको गलती ज़्यादा नहीं करना है, आपको गलती ज़्यादा नहीं करना है। मैं ये भी आपको सिखाऊंगा कि गलती कहाँ पर करना है, गलती करना भी है लेकिन कहाँ पर, ये भी मैं सिखाऊंगा। इस पॉइंट को समझ के जाना, यही मैं बताने के लिए इस वीडियो में आया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गलती नहीं करेंगे, कोई भी स्टूडेंट ये गलती नहीं करेंगे, समझ गए होंगे, सारे लोग समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, प्रश्न बहुत आसान आते हैं, बहुत हार्ड प्रश्न नहीं आते हैं। कि कहोगे कि बहुत प्रश्न हार्ड आ गया है मुझसे नहीं बनने वाला है, वैसा बात नहीं। जो स्टूडेंट कभी पढ़ा ही नहीं होगा, सो के उठे चले गए एग्जाम देने के लिए, 10 दिन बचा अब पढ़ रहे हैं चंदन सर का नोट्स लेकर के, उन लोगों का नहीं होने वाला है। मैं पहले बता देता हूँ, मेरे पास ऐसा ऐसा भी फोन आया है नोट्स लेने के लिए, क्वेश्चन से लेने के लिए, सर मैं कभी पढ़ा रही हूँ, 10 दिन एग्जाम बचा है, क्वेश्चन दे दी। भाई उसको 10 दिन पढ़ने से कैसे होगा बताओ, 2 साल की कोर्स है एनएम, उसको फिर भी 6 महीना कम से कम लगेगा नेचुरल तरीका से पढ़ाया जाएगा, तो कम से कम 4 महीना भी पढ़े, 3 महीना भी पढ़े, वो कह रहे कि सर 10 दिन में मुझे देना है, 10 दिन में एग्जाम देना। भाई 10 दिन में कैसे होगा, 10 दिन में कैसे होगा, रिविजन करने में उतना समय लग जाएगा। तो जो पढ़ के नहीं जाएगा उसका, उसके लिए भारी नहीं महाभारी होगा, लगेगा पहाड़ टूट गया, सर के नोट्स से एक भी प्रश्न नहीं आया। ऐसा ऐसा स्टूडेंट है मुझे पता है, सर आपके नोट्स से एक भी प्रश्न नहीं आया। हमने उनसे पूछा कि मेरा ही नोट्स उल्टाओ और उसमें से बताओ किस चैप्टर से हम आपको प्रश्न पूछें, बता दोगे तो मान लेंगे। आपको याद ही नहीं है तो कहाँ से प्रश्न आएंगे, को याद है। तो ये चीज है, जो पढ़ के नहीं जाएगा उससे नहीं बनेगा। जो जो मेरा नोट्स पढ़ लियो हो या कहीं से भी पढ़ाई कर ली हो, कहीं से भी, ऐसा नहीं कि मेरे पास कहीं से भी पढ़ाई की हो, तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। लिख कर लीजिए इस पॉइंट को, आइए का एग्जाम देखिए तो सुन लीजिएगा कि सर जो बोले थे, भैया जो बोले थे, सही हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। अब आसान प्रश्न आएंगे तो सभी को करना क्या है कि आप लोग कोई भी कैटेगरी के हैं, मैं कैटेगरी यहाँ पर अलग नहीं कर रहा हूँ, जनरल, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस, किसी को मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं एक साथ बोल दे रहा हूँ, कम से कम आप लोग 70 क्वेश्चन सही के बना के आना भाई, 70 क्वेश्चन सही के बना के आना। जनरल वाले कम से कम 70 बना के आना, मैं जनरल का ही अब ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, कम से कम 70 बना के लाना। देखो 70 बना के लाओगे तो 42 पॉइंट मिलेगा, 0.6 से गुना भी करना है ना, क्योंकि इसका स्कीम दूसरा है, मेरिट बनने का बताए थे। तो कम से कम 70 बना के सही बना के आना।
अब 70 सही बना के आओगे तो मान लेते कि 10 गलती भी हो जाएगा तो 2.5 नंबर कटेगा, फिर भी मेरा 65-66 मतलब 58 के आसपास नंबर तो हो ही जाएगा, 60 नंबर के आसपास तो हो ही जाएगा, 58 नंबर के आसपास तो आपका नंबर बन जाना चाहिए, बन जाएगा मेरिट लिस्ट। ठीक है, अब आप लोग अभी से चिंता में होंगे कि भाई 70 नहीं बनेगा तो कैसे होगा, ये चिंता नहीं करना है, एक अनुमानित है और कम जाएगा, हम जितना बोलेंगे उससे कम जाएगा, 100% कम जाएगा, हम जितना बता रहे हैं उससे कम जाना है, क्योंकि BTSC फर्स्ट बार एग्जाम रह रहा है, उनको भी थोड़ा सा समझना बूझना होगा, नया नया सिलेबस है तो ये सारे पॉइंट हैं, तो इसलिए आप लोग को कोई घबराहट नहीं। देखिए BPSC जो एग्ज़ाम लिया टीचर वाला का, पहला बार एग्ज़ाम लिया था, कितना कम कट ऑफ गया, आया जिनके पास डिग्री थी निकल गया, अब जो पढ़ के नहीं गया उसका मैं बात नहीं करूँगा, जो नहीं पढ़ गया उसका मैं बात नहीं करूँगा, जो पढ़ के थोड़ा भी गया निकल गया, मेरे नज़र में तो एक भी लड़की ऐसी नहीं बची जिनका नहीं हुआ है, आप लोग भी देख लेना सबका हो गया होगा, एक दुक्का एक दुक्का सबको तो होगा नहीं ना भाई, अब 60,000 फॉर्म भर लिया, 10,000 सीट है, सबको कहाँ से होगा, लेकिन जो उसमें से जो नहीं पढ़ेगा उसी का तो नहीं होगा, सबको तो नहीं होगा, जो नहीं पढ़े हैं वो लोग नहीं पढ़े हैं, तो ये चीज़ है, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए। आप जब प्रश्न एग्जाम देने के लिए जाएंगे प्रश्न देखेंगे तो एक बार प्रश्न देखेंगे, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़ेंगे, नहीं बने तो आगे बढ़ना है, उसको कुछ नहीं करना है, नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं कटेगा, नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं कटेगा, गलती बनाओगे तब नंबर कटेगा, जैसे 5 क्वेश्चन बनाए उसमें से एक छोड़ दिए हैं तो 4 का गिनती होगा, 1 का गिनती नहीं होगा, 1 का नंबर भी नहीं कटेगा, ये चीज़ है। तो जो देख लो एक बार बनाते चलेंगे आगे बढ़ते चलेंगे, बनाए नेक्स्ट ऐसे करते करते 100 तक चला जाना है, जाने के बाद आपको साइड में दिखेगा कि आपने कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, ग्रीन कलर में आपको दिखेगा, तो उसमें देख लेना कितना है, अब चूंकि वो पहला अटैम्प्ट रहेगा तो सही वाले पे ही लगाओगे, निश्चिंत होके एकदम बेफिक्र होके जो सही होगा उतने टिक करना है, पहला राउंड में 2-3 राउंड एग्जाम में लिया जाता है वो स्टूडेंट पास हो जाता है, जो व्यक्ति दो बार क्वेश्चन पढ़ लिया कम से कम एग्जाम में, दोबारा राउंड लगा लिया, उसका रिजल्ट 100% रहता है, इसलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, दोबारा राउंड लेना है, पहला राउंड में देख लेंगे कितना सही हुआ, पहला राउंड में अगर लग गया कि 50 हमने सही कर लिया, 50 कम से कम हमने सही कर लिया, तो कोशिश करना नेगेटिव कम लेने का, 50 भी सही हो जाएगा तो उसके बाद 10-15 बना देना और 20 बना देना, जो क्वेश्चंस लगेगा उसको बना देना, ठीक है ये चीज़। अब जो कैंडिडेट को 30 क्वेश्चंस बनेगा, 35 बनेगा, 40 बनेगा, भाई वो लेना, वो दोबारा राउंड जब बनाना तो वो ज़्यादा और भी क्वेश्चन बनाना, क्योंकि आपको ऑलरेडी 30-35 में कुछ तो होगा नहीं, ठीक है, कम से कम 50 ऊपर रहना चाहिए, मैक्सिमम 70 तक होगा तो ठीक ठाक रहेगा इस रेंज में, ठीक है। तो सही का मैं बात कर रहा हूँ, जिसको फर्स्ट राउंड में बहुत ऐसे भी स्टूडेंट होंगे ना जिसका 40 ही सही होगा, तो जब 40 सही हो तो आपको और भी बनाने की ज़रूरत पड़ेगा, तो वैसे स्थिति में आपको क्वेश्चन ऑफ नंबर और भी अटैम्प्ट करना है, ठीक है। जिनका 60 सही हो गया उसको ज़्यादा अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को कहा जाता है कि स्मार्ट स्टूडेंट, माइंड गेम, मुझे जितना नंबर चाहिए उतना ही लाना है, 100 में 100 बनाने की जरूरत ही नहीं है, 100 क्वेश्चंस को बना देना जरूरत ही नहीं है, हमको नौकरी चाहिए ना भाई, तो उतना दिमाग क्यों लगाएंगे, 100 में 100 बना दोगे आधा से ज़्यादा गलत होगा तो जो सही था उसमें से नंबर चला गया, यही टेक्निक है, यही टेक्निक। देखती हो कट ऑफ जाता है 60, कट ऑफ जाएगा 52-50 मतलब आसपास, जब कट ऑफ इतना ही जाना है तो ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने पे ज़्यादा निगेटिव भी आता है, ऑब्जेक्टिव है ना, या तो सही होगा या गलत होगा, लिखने वाला तो है नहीं कि 4 नंबर का क्वेश्चन है हमने गलत तो लिख दिए तो 2 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा, एक ही नंबर का क्वेश्चन है एक ही आंसर सही है, अब एक ही आंसर सही है तो बनाओगे तो सही जाएगा तो गलत जाएगा, तो ये चीज़ें को हम लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। आप लोग समझ रही हो ना फंडामेंटल, जिनका 60 बन जाए 50 प्लस बन जाए वो लोग ज़्यादा निगेटिव नहीं लेंगे, लगेगा कि 10 क्वेश्चन और हमसे सही बन रहा है तो बना के आना है, जिनका 30-35 को सही होगा पहला राउंड में उनको बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको उस लेवल तक पहुंचना भी तो होगा, तो इस पॉइंट को समझना है। जिनका ज़्यादा बन रहा है उनको निगेटिव लेना ही नहीं, जिनका 70 बन जाए सही सही उनको निगेटिव लेना ही नहीं है, छोड़ के भी चला जाएगा तो ठीक है। ये स्कीम है एग्जाम का, फंडामेंटल स्कीम है कि कैसे करना है, 100 क्वेश्चन में कोई 90 बना के आ रहा है,
मेरा एक स्टूडेंट है वो 93 बना के है, 93 बना के है। बोले बाबू गलती किस तरह की हो ये अंदाजा है? तो सर गलती तो हुआ होगा लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा गलती हुआ होगा। तो बोले चलो भगवान करे कि आपका गलती ना हो, अब 93 में 80 भी सही होगा तो उनका रिजल्ट रखा हुआ है, 75 भी सही होगा तो रिजल्ट रखा हुआ है, लेकिन अगर 85 को सही होगा तब तो रिजल्ट गया, 50 में 12 नंबर कटेगा, 50 नंबर मिलेगा, घट के कितना होगा। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ पहला राउंड सही वाले, फिर देखेंगे कितना हमने सही बना लिया, अब ज़रूरत है तो आगे बनाएंगे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं तो थोड़ा सा बनाएंगे। अब मान लो कि 10 क्वेश्चन आपने दिमाग से लगाया, अब दिमाग से 10 क्वेश्चन लगाओगी तो उसमें से अगर आपको 4 भी सही हो गया तो 6 में 2.5 नंबर कटेगा, फिर भी 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये जब आपको ज़्यादा क्वेश्चन सही बना हुआ है फर्स्ट राउंड में तब लिया जाता है, ठीक है, मतलब कम बना हो तब, सॉरी कम बना हो क्वेश्चन तब लिया जाता है। तो इस पॉइंट को आप सबको ध्यान दे करके अच्छे से एग्जाम देना है, ठीक है। आप लोग अपना एडमिट कार्ड, हाँ एक चीज़ और मैंने भूल गया, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड लेके आना, जिनके पास पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों है वो दोनों लेके आना, चूँकि एग्जाम है एक पे काम ना चले तो दूसरा पे काम चल जाएगा। ये दो चीज़ लेके आना, भारी तो लगेगा नहीं, ये सारा चीज़ लेना। ठंडा का समय है, उड़ने उड़ने वाला सामान तो आप लोग खुद लेके आ जाओगे, वो भी तो बताने की जरूरत नहीं है। तो बोले सर आप तो ठंडा के बारे में बताया ही नहीं, तो ठंडा का समय आप लोग उड़ने उड़ने वाला व्यवस्था करके आना, ठीक है। अब जहाँ जो सेंटर है सेंटर पर एक घंटा पहले पहुँच जाना, वो सब गप लिखा हुआ है, वो सब बातें लिखा हुआ एडमिट कार्ड पर, आप लोग खुद से थोड़ा सा दम लगाओ हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जितने भी प्यारी सिस्टर हो सभी लोग अच्छे से एग्जाम देकर, कोशिश करता हूँ कि आप सब जितने भी अच्छे तरीके से पढ़ाई किए हो सभी का रिजल्ट हो जाए। हाँ एक बात और, आप लोग में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हो जो फ़ोन करके पूछती हो सर सेटिंग होगा क्या, तो सेटिंग वाले मेरे पास फ़ोन नहीं करना सबसे पहले, ठीक है। ये सेटिंग वेटिंग के चक्कर में हम नहीं रहते हैं, हमने स्टूडेंट को पढ़ाने का काम करते हैं और पढ़ाए हैं, उतना हमें विश्वास है, मेरे स्टूडेंट को भी विश्वास है कि मेरा रिजल्ट होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं हम, ऐसा नहीं कि रोड पर पहली बार चलने के लिए आए हैं। बहुत को अभी तक हम पढ़ा के बिहार के बहुत सारे ज़िले में बहुत ब्लॉक में अभी नौकरी कर रही है। तो फ़ोन वोन कोई मत करना भाई ये सेटिंग वेटिंग के लिए, नहीं तो मेरे पास तो फ़ोन नहीं रहता है पहली बात, दूसरी बात स्टाफ के पास रहेगा कुछ बोल देगा, तो ये सेटिंग वेटिंग वाले को दूर रखते हैं हम लोग, ठीक है। और माइंड में सेट करके रखे हो तो आपका कभी नहीं होगा, ये गलत भावना में आप लोग घूम रहे हो। सरकार बहुत टाइट है, इस बार TCS एग्ज़ाम ले रहा है, BTSC पहली बार एग्ज़ाम ले रहा है, पूरा सॉलिड चल रहा है, बढ़िया से एग्ज़ाम चल रहा है। आप लोग जो इधर उधर चक्कर में ना, तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, और हमारे पास फ़ोन वन मत करना कोई इसके लिए, और आप लोग समझो हम तो कहेंगे सबके चक्कर में मत पड़ना, कोई सब होता होता कुछ नहीं है, खास करके BTSC ANA में मुझे जो जानकारी है मैंने आपको बताया हूँ, क्योंकि हम लोग पढ़ाए हैं, बच्चे मार्क्स लाएंगे पास करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, आपके सामने में रोल नंबर देंगे, आपके सामने स्टूडेंट ला के खड़ा करा देंगे, देख लेना। तो इसलिए मैं कहता हूँ उन सब भ्रम में नहीं घूमो, अफवाह फैलाने वाले लाखों होते हैं, उनका काम ही होता है अफवाह फैलाना, लेकिन उस सब में नहीं घूमना है। हमने पढ़ा है, हमें विश्वास है नौकरी मिलेगा, यार 10,000 सीट है, नौकरी किन को देगा सरकार, जो फॉर्म भरा है उसी में से किन्हीं को ना देना है, होगा ही होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना, आपके लिए ये 18-19 मिनट का समय मैंने दिया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कीमती वक्त आपको दिया हूँ, और आप इस लफ्जों को फ़ायदा उठाइए, सभी को थैंक यू।